हेलो एवरीवन, यूपीपीएससी और आरओआरओ के सभी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। यहां पर देखा जाए तो 10 जून से पहले आयोग के द्वारा एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। इसको लेकर के आयोग ने यहां पर फाइनल अपने यहां पर जानकारी दे दी है। सभी अभ्यर्थी यहां पर यूपीपीसीएस और आरओआरओ के और जो भी अन्य एग्जाम यहां पर यूपीपीएससी के द्वारा कैंसिल किए गए थे उनको लेकर के यहां पर एग्जाम कैलेंडर को लेकर के यहां पर आप देख सकते हैं जानकारी आ गई है कि 10 जून के पहले एग्जाम कैलेंडर आपको जारी कर दिया जाएगा। जो यहां पर खबर है वो भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं। अपनी तैयारी लगातार रखिए। एग्जाम्स के होने की जो संभावना है कब तक यहां पर होंगी, जुलाई में होने वाली, अगस्त में होने वाली, सितंबर में होने वाली है, आपके 10 जून से पहले ही आपको पता चलने वाला है। सबसे पहले यहां पे देखिए जो जानकारी यहां पर है, आयोग ने सीधा सीधा कहा है, यहां पर आप देख सकते हैं कि लोकसभा जो मतगणना है यानी कि जो 4 जून को यानी कि कल जो यहां पर मतगणना होनी है उसके बाद और 10 जून के पहले यहां पर आपको ये एग्जाम जो कैलेंडर का वेट किया जा रहा है तो यूपीपीएससी आपको एग्जाम कैलेंडर जारी कर देगा अपना। और आप अपनी तैयारी यहां पर रखिए जिसमें हमें पता चल जाएगा कि आरओआरओ और यूपीपीसीएस के यहां पर री एग्जाम कब होने। इसमें साथ साथ देखिए कहा गया है कि आयोग के सामने निरस्त और स्थगित परीक्षाओं की तारीख तय करने में जो सबसे बड़ी अभी तक समस्या आ रही थी जिसके कारण एग्जाम कैलेंडर जारी करने में लेट हो रहा था और साथ ही यहां पर जून जुलाई में जो प्रस्तावित मुख्य परीक्षाओं की जो तिथियां थी उन्हें कब तक पोस्टपोन करना है, ये सारी एक समस्या थी जिसको रीएडजस्ट करके आपको एक एग्जाम कैलेंडर आपको बनाना था। साथ ही निरस्त और स्थगित परीक्षाओं के साथ ही मुख्य परीक्षाओं की जो तारीखें हैं उनको साथ तालमेल बिठाया जाना था और ये सारी चीजें जल्द यहां पर तैयार होने वाली है और हम यहां पर आयोग के द्वारा हम 1-2 दिन में निर्णय यहां पर ले लिया जाएगा यानी कि 4 से 10 के बीच एग्जाम कैलेंडर कभी भी आ सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं आरओआरओ के 11 फरवरी को एग्जाम हुआ था जो कि बाद में निरस्त हुआ और इसके बाद 17 मार्च को प्रस्तावित पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा उसको भी यहां पर देखा जाए तो पोस्टपोन कर दिया गया था। उसके बाद कई अन्य परीक्षाओं को भी स्थगित किया गया जिसमें यहां पे स्टाफ नर्स यूनानी आयुर्वेदिक पुरुष महिला प्रारंभिक परीक्षा ये सारी जो परीक्षाएं थी अप्रैल इत्यादि में वो भी यहां पर निरस्त की गई। निजी सचिव की जो परीक्षा थी अपर निजी सचिव की परीक्षा आपको निरस्त जो 24 को थी, स्टाफ नर्स एलेलोपैथी की यहां पर परीक्षा उसे निरस्त किया गया। अब जो कैलेंडर के अनुसार आपको देखा जाए तो आरओआरओ का मेंस और यूपीपीसीएस की मेंस की भी परीक्षा आपको थी वो दोनों भी देखा जाए तो आपको निरस्त करनी पड़ेंगी, उनकी भी डेट को अब आगे बढ़ाना है। तो 5 महीने के अंतर अब यहां पर जैसे हैं परीक्षा निरस्त होगी, आरओ का पहले प्री होगा उसके बाद मेंस होगा, इसी तरह यूपीपीसीएस का पहले प्री होगा फिर मेंस होगा, तो ये सारी चीजें यहां पर एडजस्ट करनी है। तो ये सारी जो परीक्षाएं हैं आपको कहते हैं रीएडजस्ट कर करके वापस से यहां पर 10 जून से पहले एग्जाम कैलेंडर आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि जुलाई से दिसंबर के बीच कब कौन सी परीक्षा होनी है। इसमें अगर हम देखें यूपीपीसीएस का प्री और मेंस, उसी तरह आरओआरओ का प्री और मेंस, इसी तरह अपर सचिव का एपीएस की यहां पे परीक्षा और साथ ही अन्य जो परीक्षाएं हैं वो यहां पे कब होनी है, ये डेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा अभ्यर्थी इन एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो हो जाइए तैयार, आप सभी यहां पर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, पूरी तल्लीनता से साथ लग जाइए, रिवीजन को यहां पर आगे बढ़ाइए क्योंकि एग्जाम कैलेंडर बहुत जल्दी आएगा और हो सकता है एग्जाम को लेकर के आपको बहुत ज्यादा समय भी ना मिले। जैसे ही कोई अपडेट आती है हम लगातार यहां हमारे साथ जुड़े रहिए, हम लगातार आपको एग्जाम को लेकर लेटेस्ट अपडेट देते रहे हैं। आज का इतना ही, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।